हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ HDFC बैंक के टाइम्स पॉइंट्स डेबिट कार्ड के बारे में कि डेबिट कार्ड कैसा है, इसमें आपको क्या फीचर्स और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और साथ ही मैं आप लोगों को इसके चार्जेस वगैरह के बारे में भी जानकारी दूंगा और इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यह भी मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में। तो देखें, तो इस वीडियो में आप लोगों को जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी इस डेबिट कार्ड से रिलेटेड, आपको पूरी डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये वीडियो लंबी होने वाली है, उसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहूँगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस डेबिट कार्ड के बारे में। तो डेबिट कार्ड जो है खास तौर पे दिया जाता है जो HDFC बैंक का DigiSave यूथ अकाउंट है उस पर यह डेबिट कार्ड हमें देखने को मिलता है, और ये जो डेबिट कार्ड होता है DigiSave यूथ अकाउंट पे फर्स्ट ईयर के लिए फ्री होता है। यह ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आपको जो है DigiSave यूथ अकाउंट पे ये डेबिट कार्ड दिया जाता है, ये आप किसी भी अकाउंट के लिए ले सकते हैं। अगर आपके पास HDFC बैंक में अकाउंट है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको यह डेबिट कार्ड आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस डेबिट कार्ड के बारे में और देखेंगे कि इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या फीचर्स वगैरह हैं इस डेबिट कार्ड के, और चार्जेस वगैरह किस तरह के हैं, और साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसा कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई वीडियो मिस ना होने पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसके वेलकम ऑफर्स के बारे में। तो यहाँ पे वेलकम ऑफर्स के तहत या फिर ये कहें कि वेलकम बेनिफिट के तौर पर आपको 500 पॉइंट्स मिल जाते हैं, टाइम्स पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि HDFC बैंक ने टाइम्स पॉइंट्स के साथ टाई अप किया और ये डेबिट कार्ड जो है हमें प्रोवाइड किया, मतलब टाइम्स पॉइंट के साथ टाई अप करने के बाद ये डेबिट कार्ड बनाया गया है जिसमें कि हमें रिवार्ड पॉइंट्स की जगह पर टाइम्स पॉइंट्स मिलते हैं, और ये टाइम्स पॉइंट आप रिडीम कर सकते हो टाइम्स पॉइंट्स की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करके, वहां से आप जो है लॉगिन करके आप इसको रिडीम कर पाओगे। तो इसमें आपको वेलकम बेनिफिट्स के तौर पर 500 टाइम्स पॉइंट्स मिलते हैं, और ये 500 टाइम्स पॉइंट आपको तब मिलेंगे जब आप जो अपने डेबिट कार्ड से फर्स्ट ट्रांजेक्शन करोगे, और ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन चाहे तो आप ऑनलाइन करो या फिर आप POS पे करें, आपको जो है 500 टाइम्स पॉइंट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको जो है वेलकम ऑफर्स मिलते हैं, बहुत सारे आपको वेलकम ऑफर्स मिलेंगे, और ये ऑफर्स जो होते हैं ना ये एक्सक्लूसिव होते हैं और ये बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, ये बदलते रहते हैं। तो आपको चेक करना होगा कि अभी वेलकम ऑफर क्या चल रहा है, जब आपको डेबिट कार्ड मिलेगा तो आप वहाँ पर जाके टाइम्स पॉइंट्स की वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि अभी वेलकम ऑफर्स में कौन कौन से ऑफर कैसे कैसे ऑफर चल रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है आपका जो ई वेलकम किट होती है वो डाउनलोड करना होता है। ये कैसे डाउनलोड होगा, तो ये आपको जो है जब आपका डेबिट कार्ड मिल जाएगा तो उसके 7 दिनों के अंदर, ये 7 दिनों के बाद जो है मतलब 7 दिन तक आपको जो है आप ये अपना ई वेलकम किट डाउनलोड कर सकते हो, और इसके लिए भी आपको टाइम्स पॉइंट्स की ऑफिशियल वेबसाइट यानी वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। दोस्तों, आप बात करते हैं अदर बेनिफिट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको 10% तक का मिनिमम 10% तक का आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिलेगा जो इनके पार्टनर मर्चेंट्स हैं उन पे, और ये आपको किन कैटेगरीज पे मिलेगा ये भी आपको बता देना चाहूँगा, जैसे कि लाइफस्टाइल है या इंटरटेनमेंट है, डाइनिंग और ग्रोसरीज़, और ये आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगा दोस्तों, ये आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगा, और जो इनके पार्टनर मर्चेंट्स हैं ये सिर्फ उन्हीं पर आपको ऑफर्स देखने को मिलेगा, और ये मिनिमम जो है 10% तक हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, मिनिमम 10% होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 10% और मोर का मतलब यही होता है कि 10% या फिर ज़्यादा, तो मिनिमम 10% आप मान के चलिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको टाइम्स पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, तो टाइम्स पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे आपको पता होगा कि आपको रिवार्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं इस डेबिट कार्ड पे, आपको टाइम्स पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो हर 150 रुपये खर्च करने पे आपको 2 टाइम्स पॉइंट्स मिलते हैं, और ये टाइम्स पॉइंट आपको कुछ सेलेक्टेड कैटेगरी पे नहीं मिलेंगे, जैसे कि फ्यूल हो गया या फिर ज्वेलरी और जो आपके बिजनेस सर्विसेज हैं उस पर आपको जो है ये टाइम्स पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसमें आपको इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है दोस्तों, और ये जो इंश्योरेंस कवर है ये आपको अलग अलग कैटेगरी के ऊपर मिलता है, जैसे कि आपको 5 लाख का जो है इंश्योरेंस कवर आपको पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर 5 लाख तक का मिलता है, और ये जो होता है ये रोड, रेल और एयर के लिए होता है, इन तीनों चीज़ के लिए होता है। इसके अलावा भी आपको जो है 5 लाख तक का एडिशनली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, और ये आपको कैसे मिलेगा, जो इनके पार्टनर मर्चेंट्स हैं उन पर आप जो है मिनिमम ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको 5 लाख का एडिशनली इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा जो कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है। और
इसी तरीके से आपको जो इंटरनेशनल एयर एक्सीडेंट कवर भी मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको जो है अपने डेबिट कार्ड से ही एयर टिकट परचेस करना। अगर आप अपने डेबिट कार्ड से एयर टिकट परचेस करते हो तो वहाँ पे आपको 1 करोड़ तक का इंटरनेशनल एयर इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इस डेबिट कार्ड पे आपको फायर एंड बर्गलरी प्रोटेक्शन भी मिलता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके कोई सामान परचेस किया है, तो जितने भी आपके जो डेबिट कार्ड से परचेस किए हुए सामान है, मतलब 6 महीने तक पुराने जो जितने भी सामान है, उन पे आपको फायर एंड बर्गलरी प्रोटेक्शन मिलता है कि अगर आपका सामान, वो सामान जो आपने अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके परचेस किया, अगर वो आग से डैमेज हो जाते हैं या फिर चोरी हो जाते हैं, तो आपको जो है उसका भी इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, उस पर आपको जो है पैसे मिलेंगे। तो ये प्रोटेक्शन जो होती है 2 लाख तक की होती है। एक तरह से समझ लीजिए कि अगर आपका नुकसान होता है तो आपको जो उसकी भरपाई मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो है 2 लाख तक का प्रोटेक्शन मिलता है फायर एंड बर्गलरी में, कि अगर आपका सामान जो है जो अपने डेबिट कार्ड से आपने परचेस किया, 6 महीने तक पुराना जो भी सामान होगा, अगर वो फायर से डैमेज होता है, आग से डैमेज होता है या फिर चोरी होता है, तो 2 लाख तक आपको मिल जाएगा। आपको इसमें चेक्ड बैगेज इंश्योरेंस भी मिलता है। चेक्ड बैगेज इंश्योरेंस जो होता है ये 2 लाख तक का होता है। अब ये चेक्ड बैगेज इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे कि अगर आप जो ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो जो आप ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो अगर वहाँ पे आपका सामान जो है चोरी होता है या फिर गुम हो जाता है या फिर आग से डैमेज हो जाता है या फिर जिस पे आप जो है मतलब कि जिस व्हीकल पे आप जो है ट्रैवल कर रहे हो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको जो अगर आपका सामान डैमेज हो गया तो आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। इस डेबिट कार्ड पे 0 लायबिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि अगर आपका ये डेबिट कार्ड कहीं पे गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो उससे जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं ना, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी भरपाई कर दी जाएगी, वो बैंक जो है सब वसूल लेगा अगर उससे कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होते हैं तो। लेकिन इसके लिए आप पे एक जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि अगर आपका डेबिट कार्ड कहीं गुम होता है या फिर चोरी होता है, तो आपको तुरंत ही अपने बैंक को रिपोर्ट करना होता है, तो उससे जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं वो सब बैंक वसूल लेगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके सर कुछ भी नहीं आएगा। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा फ्यूल सरचार्ज के बारे में कि इस डेबिट कार्ड पे आपको फ्यूल सरचार्ज लगता है या नहीं। तो अगर तो ट्रांजैक्शन होता है HDFC बैंक के स्वाइप मशीन से, तो यहाँ पे आपको जो कोई भी फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा, लेकिन अगर किसी अदर बैंक के स्वाइप मशीन से ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज लगेगा। और यहाँ पे आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, और ये जो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस हैं ये क्लीपर के लॉन्चेस होंगे, वहाँ पर आपको जो है एक्सेस मिलेगा, यानी आप विजिट कर सकते हैं 4 सालाना, यानी साल में आपको एनुअली आपको 4 बार मिलेगा, और पर क्वार्टर यानी तिमाही पे आप 1 बार विजिट कर सकते हो। क्लिपर का जो लॉन्जेस होते हैं ना, क्लिपर के लॉन्जेस में आप विजिट कर सकते हो, और ये सिर्फ डोमेस्टिक है, मतलब सिर्फ इंडियन एयरपोर्ट्स पे ही आपको ये मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके लिमिट्स के बारे में कि इस पे आपको क्या लिमिट वगैरह देखने को मिलती है। तो इसको डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट 1 लाख तक की है, और डेली शॉपिंग लिमिट, डोमेस्टिक शॉपिंग लिमिट आपको 3.5 लाख रुपये तक की मिलती है। ATM कैश विड्रॉल लिमिट ये भी डोमेस्टिक है, यानी इंडिया में रहते हुए आप जो 1 लाख रुपये से विड्रॉल कर सकते हो डेली के, और इसी तरीके से जो आप जो है 3.5 लाख रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हो, ये भी डोमेस्टिक ही है। दोस्तों इस डेबिट कार्ड पे आपको एक अच्छी बात ये देखने को मिलती है कि यहाँ पे आपको जो लिमिट मिलती है ना, उसके आप ओवर भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आप लिमिट से ज़्यादा भी इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कुछ कैटेगरीज के ऊपर, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा एयरलाइंस, एजुकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल और ट्रेवल्स और टैक्स पेमेंट्स और इंश्योरेंस, इन सब के लिए जो आप जो है चाहे तो जो आपको लिमिट मिलती है इस डेबिट कार्ड पे उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी ट्रांजेक्शन डिक्लाइन के। तो ये एक अच्छी चीज़ इस डेबिट कार्ड पे हमें देखने को मिली है। दोस्तों अब बात करेंगे इसके चार्जेस के बारे में कि इसमें हमें क्या चार्जेस वगैरह देखने को मिलते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा जो इसके एनुअल चार्ज या फिर एनुअल फीस और इसका इश्यूएंस चार्ज जो है वो है 650 रुपये, 650 रुपये प्लस GST, यानी कि उसमें GST भी जोड़ी जाएगी। तो इस लिहाज से देखें तो ये महंगा डेबिट कार्ड है, क्योंकि अगर हम GST उसमें जोड़ दें तो 700 रुपये के ऊपर चला जाएगा जो इसका एनुअल फीस है, और जो इसका जो है इश्यूएंस फी कहें तो वो जो है 700 के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये महंगा डेबिट कार्ड है। और यहाँ पे आपको जो है ATM पिन जनरेशन पे भी 50 रुपये प्लस GST का चार्ज लगता है, यानी कि अगर आप जो है ATM से अपना पिन जनरेट करते हो तो 50 रुपये प्लस GST कट जाएगा। तो मैंने इस पर वीडियो बनाया कि आपको कैसे जो अपने
डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन जनरेट करना है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके 50 रुपये बच जाएँ, उसमें GST भी लगेगी। अब यहाँ पे यूज़र चार्जेस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप अपना डेबिट कार्ड रेलवे स्टेशन पर इस्तेमाल करते हो टिकट परचेस करने के लिए तो 50 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। 50 रुपये के साथ साथ 1.80% का आपको जो है और भी चार्ज लगेगा। तो इस तरह से आपको जो है चार्जेस लगेंगे। और अगर आप IRCTC पे ऑनलाइन टिकट परचेस करते हो तो तब भी आपको 1.80% का आपको चार्ज लगेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जो है अगर चार्जेस बचाने हैं तो क्या करना होगा। दोस्तों आप बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास सिर्फ HDFC बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास HDFC बैंक में अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, कोई सा भी अकाउंट हो, तो आपको ये डेबिट कार्ड मिल जाएगा। आप इसके लिए अप्लाई करें, आपको ये डेबिट कार्ड आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों ये था HDFC बैंक का टाइम्स पॉइंट्स डेबिट कार्ड। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने इसके बारे में ओपिनियन अपना नहीं बताया कि यह डेबिट कार्ड कैसा है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये डेबिट कार्ड कुछ इतना खास नहीं है, इतना भी अच्छा नहीं है जिस लिहाज से इसके चार्जेस हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहते हो डेबिट कार्ड ले सकते हैं या फिर इसका जगह पे कोई दूसरा डेबिट कार्ड ले सकते हैं। जैसे कि मिलेनियम डेबिट कार्ड, वहाँ पे आपको कैशबैक देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको टाइम्स पॉइंट्स मिलेंगे और जो इनके पार्टनर मर्चेंट वहाँ पे आपको 10% तक का जो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या लेना चाहेंगे। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।